क्या आपने कभी समुद्र की गहराइयों में छिपे जीव जंतुओं के बारे में सोचा है? जब भी हम सी क्रीचर्स के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो समुद्री जीवों के नाम ही आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि समुद्र ऐसे हजारों जीव जंतुओं और पौधों से भरा पड़ा है, जबकि अभी तक तो हम मुश्किल से समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। बाकी के 95% हिस्से में क्या है, उसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। तो अगर आप भी समुद्री जीवों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ समुद्र की गहराइयों में जाने के लिए, जहां हम आपको डीप सी में छुपे विशालकाय जीवों से मिलवाएंगे। सो लेट्स बिगिन। ब्लू व्हेल। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ी व्हेल कौन सी है? अगर आपको लग रहा है ऑर्का, तो सॉरी बट यू आर रॉन्ग। आई नो, ऑर्का एक विशाल व्हेल है और एक मेल ऑर्का का साइज औसतन 6 से 8 मीटर तक होता है। लेकिन स्टिल ये समुद्र की सबसे बड़ी मछली नहीं है। तो अगर ऑर्का नहीं तो फिर कौन? असल में समुद्र की सबसे बड़ी मछली है ब्लू व्हेल। एक ब्लू व्हेल 25 से 30 मीटर तक लंबी होती है। ब्लू व्हेल ना सिर्फ समुद्र की सबसे बड़ी मछली है, बल्कि ये अब तक दुनिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा क्रीचर भी है। यहाँ तक कि ये टी रेक्स और मेगालोडॉन से भी ज्यादा विशाल है। इतनी विशाल कि इसके सामने स्कूल बस भी आपको छोटी नजर आएगी। नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के हिसाब से तो एक ब्लू व्हेल की जीभ का वजन हाथी के वजन जितना होता है, और उसके हार्ट का वजन तो आपकी कार के जितना होगा। इस मछली के दिल का साइज ही किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी है। जेलीफिश। हमारी लिस्ट में अगला नाम है जेलीफिश का। लेकिन जेलीफिश का नाम सुनकर तो किसी छोटी मछली की इमेज दिमाग में आती है, बट जेलीफिश सिर्फ छोटी ही नहीं होती, बल्कि बड़े साइज की भी होती है। और हम ऐसी ही एक जायंट जेलीफिश की बात कर रहे हैं, लायंस मेन जेलीफिश, जो दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश में से एक है। ये किसी ऑर्डिनरी छोटी जेलीफिश जैसी नहीं है, जो आपको समुद्र तटों, झीलों और नदियों में भी मिल जाया करती है। ये इनवर्टिब्रेट स्पीशीज 120 फीट यानी कि 36 मीटर तक लंबी हो सकती है। भले ही इसकी लंबाई सुनने में खतरनाक लगे, लेकिन इनका रंग इनके शरीर के आकार से मेल नहीं खाता। ये रेड, पर्पल, यहाँ तक कि ऑरेंज कलर में देखने को मिलती है और दिखने में काफी खूबसूरत होती है। इसके अलावा इनके शरीर पर 70 से 150 टेंटिकल्स के 8 सेट होते हैं, यानी किसी भी लायन मेन जेलीफिश के 1200 तक के टेंटिकल्स हो सकते हैं। मेंटा रे। दोस्तों, जायंट सी क्रीचर्स की लिस्ट में अगला नाम है मेंटा रे का। इसका विंग स्पैन ही एक बस जितना होता है। इनकी लंबाई 9 मीटर तक हो सकती है। हालांकि बाकी रेज की तरह इनमें जहरीली टेल नहीं होती। ये मछलियाँ जनरली गर्म पानी वाले एरिया जैसे कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड पर पाई जाती हैं। ये सरफेस के नजदीक ही पाई जाती हैं। मेंटा रे के जायंट साइज की वजह से उसे डेविल रे भी कहा जाता है। पोर्टुगीज फिजालिया। फिजालिया, इस मछली को पोर्टुगीज मैनोवर या फिर सिंपली मैन ओवार के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आप सोच रहे थे कि मेंटा रे और ब्लू व्हेल ही साइज के मामले में समुद्र में बाजी मारती है, तो वेट, पोर्टुगीज मैनोवार वैसे तो नॉर्मल मछलियों जैसी नहीं होती, और इसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा टेंटिकल्स ही होता है, और टेंटिकल्स मिलाकर इनके शरीर का कुल साइज 164 फीट यानी 50 मीटर होता है, और ये टेंटिकल्स ही शिकार को पकड़ने में इनकी मदद करते हैं। ये समुद्री जीवों के साथ साथ हम इंसानों के लिए भी घातक होती है। इनके बारे में सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये है कि अगर इनका कोई टेंटिकल टूट भी जाए, तो वो समुद्र में बिना डीकम्पोज हुए कई दिनों तक तैरता रहेगा, और टूटने के बाद भी शिकार को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। ऐसे में समुद्र में इन मछलियों से दूर रहना ही समझदारी होगी। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि सैकड़ों हजारों मैनोवर मछलियाँ जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकती हैं। शेस्टासोरस। इसका नाम सुनने में ही कुछ कुछ डायनासोर से मैच हो रहा है, तो इसका नाम सुनते ही आपको डायनासोर की याद आ गई होगी। ये डायनासोर जैसी कोई स्पीशीज तो नहीं है, क्योंकि वो धरती पर रहा करते थे, और शेस्टासोरस पानी में पाया जाने वाला जीव है, मगर ये डायनासोर की तरह ही एक रेप्टाइल जरूर है। दोस्तों, अगर हम आपसे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव के बारे में पूछें, तो आपके मन में भी सबसे पहला नाम डायनासोर का आएगा। तो उसी तरह शेस्टासोर भी अब तक के सबसे जायंट साइज के मरीन क्रीचर होते हैं। ये लेट ट्रायसिक पीरियड में पाए जाते थे, यानी कि लगभग 21 करोड़ साल पहले।
इनके शरीर की लंबाई 21 मीटर तक हुआ करती थी। वहीं इनका वजन लगभग 65 टन यानी कि ब्लू व्हेल के बराबर ही होता है। इसकी लंबाई का आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप इस जीव को वर्टिकली खड़ा कर देते हैं तो ये किसी 7 माले की बिल्डिंग जितना लंबा हो जाएगा। दोस्तों, इसका वेट और हाइट सुनकर आपके दिमाग में एक भारी भरकम मछली आ रही होगी, बट ये एक स्लिम ट्रिम मछली होती है। इसके रिब केज महज 2 मीटर होती है, जो कि इसकी लंबाई और वजन के हिसाब से काफी कम है। दोस्तों, शेस्टासोरस के बारे में हैरान करने वाली बात ये भी है कि ये सिर्फ छोटी मछलियों, सेफालोपोड्स, ऑक्टोपस और स्क्विड्स को ही खाती थी, जबकि इसके साइज के हिसाब से तो ये किसी डायनासोर को भी कच्चा चबा सकती थी। अल्बर्टो नेक्टस प्लीजियोसॉर फैमिली की मेंबर है। इस समुद्री जीव की शारीरिक संरचना आपको डायनासोर की याद दिला देगी। इनका सिर छोटा, गर्दन काफी लंबी और हाथ फ्लिपर जैसे लंबे हुआ करते थे। अपने इन्हीं लिम्ब्स की वजह से ये पानी में आसानी से तैर पाते थे। ये समुद्री जीव नॉर्थ अमेरिका के नजदीकी समुद्री इलाकों में 760 लाख वर्षों पहले तक पाए जाते थे। इनकी लंबाई 11 मीटर तक होती थी, जिसमें इसकी गर्दन ही 7 मीटर तक हुआ करती थी। इसकी गर्दन की लंबाई ही नहीं बल्कि हड्डियाँ भी इसे खास बनाती हैं। इसकी गर्दन में 76 हड्डियाँ होती हैं। अभी तक इंसानों द्वारा खोजे गए किसी भी जानवर की गर्दन में इतनी हड्डियाँ नहीं पाई गई हैं। हालांकि अभी तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इन्हें इतनी लंबी गर्दन की जरूरत आखिर क्यों होती थी। हो सकता है लंबी गर्दन की मदद से ये सी शेल्स निकालते हो, या फिर इनके छोटे शिकारों को पकड़ने में ये नेक उनके लिए हेल्पफुल होती होगी। टाइलोसॉरस। हमारी लिस्ट में अगला नाम भी एक प्री हिस्टोरिक क्रीचर का है। ये जीव समुद्र में लगभग 8 से 8.5 करोड़ साल पहले पाया जाता था। बेसिकली ये मोसासोर फैमिली से बिलोंग करते हैं और नॉर्थ अमेरिका के समुद्री इलाकों में पाए जाते थे। इनकी हाइट लगभग 15 मीटर तक होती थी। इनका बड़ा जबड़ा मगरमच्छ जैसा होता था। लेट क्रिटेशियस पीरियड में ये जानवर समुद्र का एक अव्वल शिकारी माना जाता था। ये समुद्र की गहराई में छुपकर बड़ी ही चालाकी से अपने शिकार पर नजर रखता था और मछलियों को पता भी नहीं चलता था कि वो जल्द ही एक खतरनाक जानवर की गिरफ्त में जाने वाली है। ये फिशेस सी बर्ड्स और शार्क्स को अपना शिकार बनाती थी, बल्कि अन्य मोसासोर जैसे 10 फुट लंबे तक प्लेसियोसॉर्स को भी अपना शिकार बना लेते थे। ऑफ्थल्मोसॉरस। अब बात करते हैं एक भारी भरकम शरीर वाले रेप्टाइल ऑफ्थल्मोसॉरस की। इसका वजन सुनकर आपके होश ही उड़ जाएंगे। एक ऑफ्थल्मोसॉरस का वजन 2722 किलोग्राम तक होता है। हालांकि इनके वजन के हिसाब से इनकी लंबाई बहुत ज्यादा नहीं होती है। ये 5 मीटर तक लंबे हुआ करते थे। ये वही लंबाई है जितनी की आज के टाइम पर पाई जाने वाली बेल्यूगा वेल की होती है। ऑफ्थल्मोसॉरस लेट जुरासिक पीरियड में पाए जाते थे, यानी कि लगभग 16 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। दोस्तों, ऑफ्थल्मोसॉरस के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उसकी आंखें। ऑफ्थल्मोसॉरस की आंखों का डायमीटर 220 से 230 मिलीमीटर तक का होता है। मोसासॉरस। लगभग 6 करोड़ साल पहले ये जीव समुद्र पर राज किया करते थे। इनके फॉसिल्स से मिले एविडेंस के आधार पर कुछ स्पेसिमेन तो 15 मीटर तक लंबे हुआ करते थे और इस लंबाई के साथ ये उस टाइम के सबसे विशाल काय कार्निवोरस हुआ करते थे। इसके बारे में सबसे खतरनाक है मगरमच्छ जैसा दिखने वाला इसका सिर, जो इसे दिखने में काफी भयानक बना देता है। इसके दोनों जॉज पर दांतों की 2 कतारें हुआ करती थी और कुल मिलाकर इसके 60 से 70 दांत हुआ करते थे, जिसमें 13,000 से 16,000 तक बाइट फोर्स होता था। नाउ इमेजिन, जो शिकार एक बार मोसासॉरस के जबड़े में आ जाता होगा उसका क्या हाल होता होगा। असल में पानी में शिकार करना और अपने शिकार को पकड़े रहना मोसासॉरस के लिए काफी डिफिकल्ट था और इसी के अनुकूल उसके दांतों की बनावट ऐसी थी कि वो किसी भी शिकार को मजबूती से पकड़ सके। इसके अलावा इसके मुंह के ऊपरी तरफ टेरिगॉइड टीथ नाम का एक दांत होता था, जिसकी वजह से शिकार को पकड़े रखना उसके लिए और इजी हो जाता था और मोसासॉरस की गिरफ्त से निकल पाना शिकार के लिए और भी ज्यादा मुश्किल। तो दोस्तों, ये थे अब तक समुद्र में पाए गए सबसे ज्यादा विशालकाय जीव। हालांकि दिस इज नॉट इट,
क्योंकि अभी तो हमने समुद्र का बहुत कम हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जायंट जीव भी उन जीवों के सामने काफी छोटे हों जो समुद्र में और भी गहराई पर रहते हों। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत मिस्ट्री पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। हमारे इन्हीं वीडियोस को इंग्लिश में देखने के लिए अद्भुत मिस्ट्री इंग्लिश को जरूर विजिट करें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।